नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सोनी, कंसर्ट फ्रूट मेकर, जींद डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003, यही मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप उससे बांसुरी परचेज करने के लिए संपर्क कर सकते हैं। वेल ट्यून कंसर्ट लेवल की बांसुरी है, कम की बात। दोस्तों, आज बनाई है मैंने ये डी बेस की बांसुरी। ये डी बेस की बांसुरी साथ में एक कवर के ऑफर में है, 1500 रुपये में। डी बेस, सी सा बेस, सी बेस, कोई सी भी एक बांसुरी, एक कवर 1500 रुपये में मिल जाएगी आपको। और ये बांसुरी मैंने एक कस्टमर के लिए बनाई है, उनका नाम है मिस्टर सूरज भट्ट, आप रहते हैं गुरुग्राम। उनको ये बांसुरी मैं भेजने जा रहा हूँ। उनको ये बांसुरी मैंने 1500 में दी है कवर के साथ ऑफर में। बांसुरी का साउंड अच्छा है, वेल ट्यून है बांसुरी, आपके सामने सुना के मैं इसकी आवाज़ सुना रहा हूँ। और एक थोड़ा सा बदलाव हमने आजकल थ्रेडिंग में किया है। अभी समर्स का समय है, समर्स के टाइम में क्या होता है, होली के बाद जब मौसम चेंज होता है तो अक्सर धागे खुल जाते हैं। ये एक आम बात है, किसी भी ब्रांड की आप बांसुरी लेंगे, अधिकतर कंपनी हुई, थोड़ा बहुत किसी की बांसुरी ना खुले वो एक अपवाद है। हमारे पास भी रखी रखी बांसुरियों के धागे खुल जाते हैं। एक हमने थोड़ा डिफरेंट तरीके से थ्रेडिंग करने के बारे में सोचा है, हो सकता है उससे धागे ना खुले। हमने क्या किया, ये जो आप गोल्डन गोल्डन देख रहे हैं, ये हमने पहले टेप लगा दी इसमें, गोल्डन कलर की मार्केट में जो मिलती है, ये चमकीली टेप होती है, इस तरह की टेप, इस चमकीली, जैसे आप ये देख रहे हैं गोल्डन लुक, तो हमने अंदर नीचे नीचे गोल्डन कलर की टेप लगा दी है और उसके बाद आगे बांधे। ये हमारा पहला एक्सपीरियंस है इस तरह की बनाने का। हालांकि मैंने जब स्टार्टिंग किया था तो मैंने इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया था और धागे खुलने की समस्या बिल्कुल ना के बराबर थी। तो अभी इन दिनों फिर से समस्या है, ये गर्मी का जब समय शुरू होता है तो उस समय आती है समस्या, हर किसी को आती है। तो आप सबकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, अगर आपका ऐसा कुछ धागे आपकी बात से खुल जाए तो आप धागे ऐसे टेप लगा कर बांधिए। दूसरे फ्रूट मेकर भी हैं तो उनको भी शायद ना बताओ तो ये फॉर्मूला यूज करके देख सकते हैं। और धागे अगर आपके पास से खुल गए हैं तो आप नई बांसुरी जब परचेज करें तो हमसे धागे परचेज भी कर सकते हैं। धागे के रोल आते हैं तो आपके हिसाब से आप 100 रुपये के, 200 रुपये के, 300 रुपये के, 500 रुपये के, जितने धागे आपको खरीदने हैं आप अपनी डिमांड के अनुसार अपनी धागे बांसुरी पर अगर आपको धागे चेंज करने हैं तो आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ये धागे मार्केट में मिलते नहीं, हमारा तो रोज़ का ही काम है। तो आप अपनी इच्छा अनुसार बांसुरी के साथ, अलग से कम भेज नहीं पाएंगे धागे क्योंकि धागों से ज़्यादा कॉस्टिंग भेजने की है। तो आप जब बांसुरी मंगवाएं तो आपको जितने रुपए के भी धागे चाहिए, कौन से जो भी कलर चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, तो आपकी बांसुरी के साथ धागे हम लोग भेज सकते हैं। बांधने का तरीका मैंने मेरे यूट्यूब चैनल पर बताया है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने धागे बांधने के तरीके के बारे में बताया है, कैसे लगता है, आसान तरीका है। तो ये बांसुरी की बात कर ली जाए तो बांसुरी की जो आवाज़ है वो मैं आपको सुना देता हूँ। ये डी बेस की बांस है, बांसुरी है डी बेस सफ़ेद। तो काफ़ी दोस्त पूछते हैं ये सफ़ेद क्या है, ये काली क्या है, हमें समझ में नहीं आया। तो हारमोनियम में जो चाबियाँ होती हैं, कई बार कई कमेंट्स हैं मैंने पढ़े हैं उसमें लिखा है कुछ बताइए इसके बारे में। तो हारमोनियम में आपने देखा होगा या पियानो में देखा होगा सफ़ेद और काली रंग की चाबियाँ होती हैं, मतलब की होती हैं जिससे सरगम निकलती है। तो पियानो के हिसाब से पहली नंबर की जो चाबी होती है जिससे सरगम शुरू होते हैं उसको बोलते हैं सी। आप पियानो में सी बजाओगे, पहली बटन दबाओगे तो उसमें आप ये ट्यूनर पे चेक करोगे तो उसमें सी लिखा आएगा, मतलब वो मंदर सप्तक की बेस वाली बांसुरियाँ उसकी सी बेस की बांसुरी है, पहली सफ़ेद चाबी। तो इसका मतलब हो गया पहली सफ़ेद जो हारमोनियम की चाबी है उसको सी बोलते हैं। पहली सफ़ेद के ऊपर एक काली रंग की चाबी होती है उसको बोलते हैं सी शार्प,
वो पहले नंबर पे, सी के बाद पहले नंबर पे आती है, इसलिए उसको पहली काली बोल देते हैं। और उस काली के बाद फिर सफ़ेद आती है, तो उस सफ़ेद को सी के बाद डी, सी ऊपर सी साहब चला गया और नीचे फिर डी आ गया, मतलब सफ़ेद वाली चाबियाँ ऐसे गिनी जाएंगी, सी डी ई एफ जी ए बी और फिर दूसरे सब तक की सी आ जाएगी, ऐसे काउंट होती है। और काली भी जो चाबी है, जैसे सी के बाद एक सी ऊपर काली चाबी आ गई तो उसको बोलेंगे सी शार्प, और दूसरी सफ़ेद छोड़ के फिर एक काली चाबी और आएगी तो उसको बोलेंगे दूसरी काली, दूसरी सफ़ेद छोड़ के जो आती है। तो ऐसे एक सप्तक में 5 काली और 7 सफ़ेद, मतलब 7 सफ़ेद चाबी और 5 काली मिलके एक सप्तक तैयार होता है, जिसमें इन बासियों के नाम रखे गए हैं उनसे मैच करने के लिए। ऐसे ही अगर दूसरा सप्तक 7 चाबी और 7 सफ़ेद और 5 काली चाबी मिलके एक सप्तक और बन जाता है, वो कहलाता है मिडिल बांसुरी, मध्य सप्तक की बांसुरियाँ। तो ऐसे करके आप सीख सकते हैं, गूगल पे भी शायद इसके बारे में जानकारी मिल जाए आपको काली सफ़ेद के बारे में। मेरी नॉलेज के हिसाब से और मैं जितना एक्सप्लेन कर सकता हूँ इस वीडियो में, थोड़ा सा मैंने किया है, इसके बारे में और विस्तार से आप लोगों को समझाऊँगा। तो ये है सफ़ेद दो डी बेस की बांसुरी है, मंदर सप्तक की बांसुरी, हारमोनियम के हिसाब से पहला सप्तक जो होता है मंदर सप्तक, उसके लिए ये डी बेस की बांसुरी है। ये लंबी बांसुरियाँ बिगिनर्स के लिए नहीं होती, जिन्होंने बांसुरी पे 1-1.5 साल प्रैक्टिस कर ली उन लोगों के लिए। तो आइए सुनते हैं इस बांसुरी के बाद, ये है सफ़ेद दो डी बेस। स्वर भी आप बांसुरी में आराम से बजा सकते हैं, मैं एक बार कोशिश करता हूँ बजाने की। ये बांसुरी है राइट हैंड और मैं लेफ्ट की प्लेयर हूँ, तो अभी ये डी बेस की बांसुरी बिल्कुल आसानी से बजा पा रहा हूँ, तो राइट हैंड पर्सन इसको और भी आसानी से बजा सकते हैं। ये कस्टमाइज बांसुरी है जैसा आप देख सकते हैं, तीसरा होल आउटसाइड, छठा होल इनसाइड, राइट हैंड प्लेयर के हिसाब से लेफ्ट के हिसाब से बदल जाते हैं। मंदर सप्तक भी जब ये आप माइक के सामने बजाएंगे तो बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ आएगी और इजीली आप प्ले कर सकते हैं मंदर सप्तक और तार सप्तक। कैसे लगी आपको इस बांसुरी की आवाज़, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9928241003। बांसुरी परचेज करने के लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। सभी तरह की बांसुरियाँ बनाता हूँ मैं, 10 इंच से लेकर और 42 इंच तक की बांसुरियाँ मेरे पास मिल जाती हैं, बाई ऑर्डर बनाता हूँ ज़्यादातर बांसुरियाँ। कुछ स्टॉक भी होता है, अगर ग्राहक की डिमांड के अनुसार मेरे स्टॉक में बांसुरी मिलती है तो बांसुरी आपके पते पर जल्दी आ जाती है।
और नहीं होती है अवेलेबल तो फिर हम बनाकर भेजते हैं, तो थोड़ा समय लग जाता है लेकिन बासुरी आपके पते पर आ जाती है। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।